हेलो दोस्तों, वेलकम इन माय ब्लॉग। आज बात करेंगे मुहासे, जिन्हें पिंपल्स और एक्ने भी कहा जाता है। इनके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या हैं और इलाज क्या है, तो दोस्तों शुरू करते हैं। बात करेंगे दोस्तों पिंपल्स होने के कारण क्या होते हैं। पिंपल्स त्वचा के आम रोग हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी है। इसका सीधे असर आपकी सुंदरता पर पड़ता है। वैसे तो 17 से 21 वर्ष की उम्र में मुहासे के होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इस उम्र में हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन घटते और बढ़ते रहते हैं, जिनकी वजह से चेहरे में तेल का रिसाव ज्यादा होने लगता है। इस कारण चेहरे पर पिंपल्स होने लगते हैं। इसके और भी कारण होते हैं, जैसे कि ज्यादा स्पाइसी खाना, ज्यादा ऑयली खाना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेंटल स्ट्रेस, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रेगनेंसी में, डिप्रेशन में, नॉर्मली यही कारण होते हैं पिंपल्स होने के। दोस्तों अब बात करेंगे पिंपल्स के इलाज के बारे में। पिंपल्स, मुहासे, एक्ने में आप कौन कौन सी क्रीम लगा सकते हैं जिनके रिजल्ट सबसे अच्छे मिलते हैं। नंबर वन बात करेंगे बेंजोल परोक्साइड जेल के बारे में। ये दर्द वाले पिंपल्स में कुछ भरा सा लग रहा हो या पस वाले पिंपल्स में लगाते हैं, ऐसे केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नंबर टू, क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल का पिंपल्स में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर थ्री, क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोल परोक्साइड जेल का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर फोर, ट्रेटिनोइन क्रीम, ये भी पिंपल्स में इस्तेमाल करते हैं। नंबर फाइव बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड जेल। नंबर सिक्स, लिंकोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड जेल पिंपल्स में यूज किए जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी पिंपल्स में यूज करने वाली क्रीम थी, जिनको आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। इन सारी पिंपल्स क्रीम का इस्तेमाल नाइट में मुंह धुलने के बाद किया जाता है। दोस्तों अब बात करेंगे पिंपल्स क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में। पिंपल्स क्रीम के साइड इफेक्ट, आपको इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है और स्वेलिंग जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ये पिंपल्स क्रीम के साइड इफेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको पिंपल्स, एक्ने, मुहासे के बारे में बताया। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।